¿Sabes lo que yo quiero un visa? ¿Quién le hace? Porque एक नॉर्मल हाउसवाइफ से आज लाखों की इनकम में जाना सोच सकते हैं। थैंक्स करना चाहूंगी मैं मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का और गॉड का, पेरेंट्स का और मेरे अपलाइनर मेंटो योगराज सर का, तनु मैम का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और रियली बिग बिग थैंक्स इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म देने के लिए। जिंदगी के 40 साल भी जॉब कर रहे होते मैं और मेरे हस्बैंड, तो आज वो नहीं होता जो आज हमारे पास ध्यान से है। थैंक्स करना चाहूंगी पाल सर का, सर मेरे लिए मेरे बड़े ब्रदर से भी बढ़कर हैं और शायद कभी उनके पास टाइम नहीं था इतना जितना सर ने हमें सपोर्ट दिया। यस फैमिली में मुझे थे पर मुझे कुछ करना था, तो सर इमोशनल होना बनता है क्योंकि हमने वो लिया है ध्यान से जो कभी हम सपने में नहीं सोचते थे। एजुकेशन में जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब देखी हुई 15,000-20,000 की, सोचा उम्र बीत जाएगी जॉब करते करते और 15,000 में घर भी नहीं चलेगा अच्छे से, ड्रीम तो दूर की बात है। तो लगा कि नहीं, किसी के आगे जॉब कभी भी नहीं करनी क्योंकि जॉब में यही होता है कि आपके बॉडी से जूस निकाल दिया जाता है और आपको मिलता कुछ नहीं है। तो बिजनेस का भी सोचा, फिर लगा कहीं बिजनेस करते हो तो लाखों रुपए पहले इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और बिजनेस सक्सेस होता है नहीं होता है ये भी गारंटी नहीं थी। और त्यांस मिला रियली 10,000-12,000 से, 20 से लगा लो, 40 से लगा लो पूरा बिजनेस, जो कि हम अगर घर का फोन लेना हो, अपनी शॉपिंग कर रही हो तो वो भी नहीं हो पाती। तो रियली ये कह सकते हैं कि हमने जीरो से स्टार्ट किया है और आज जीरो से स्टार्ट करके हम लाखों कमा रहे हैं। रॉयल्टी बिजनेस शूर कंपनी देती है, कार फंड कंपनी देती है, विला फंड कंपनी देती है, क्या चाहिए जिंदगी में इंसान को, हेल्थ कंपनी दे रही है, मुझे लगता है इससे बड़ा तो कुछ चाहिए ही नहीं इंसान को। तो सर रियली मैं थैंक्स क्या करना चाहूंगी शेखर सर का और सर भाभी जी इतने प्यारे बच्चे, रियली सर सभी का थैंक्स दिल से, सर आप हमारे लिए गॉड है रियली। और योगराज सर का बिग बिग थैंक्स, सर ने हमेशा ही, कुछ टाइम ऐसा था कि जब हम आए थे इस इंडस्ट्री में सभी को ही लगता है कि नहीं अब मैं थक चुकी हूँ, नहीं होगा, वो ये कह रही थी, वो ये कह रही थी, मैं कहती हूँ आप लगे रहे टिके रहे। कभी हम भी यहाँ थे, जब आए थे तो ब्रॉन्ज कार्ड बना था तो लगता था गोल्ड कैसे बनूंगी, पर जब ठान लो तो वो पॉसिबल है और ठान लिया कि करके दिखाना है। अपनी फैमिली के लिए भी जब आप आए हैं किसी प्लेटफॉर्म में तो कूद जाए, लग जाए और ड्रीम्स आपके तो पूरे होने ही होने, साथ के साथ आप सोच भी नहीं सकते कि कितने बच्चों के, कितने सॉरी कितने लोगों के आप सपने पूरे कर सकते हैं अपने साथ, अपने बच्चों के, अपने फैमिली मेंबर्स के, सभी के। तो थैंक यू सर, मैं तो बहुत ज़्यादा रही हूँ थैंक्स की सभी की और एंटायर टीम का बहुत 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 थैंक्स। दुबई टूर अचीव किया तो मेरा सपना था और काश था जिंदगी में, काश अट चुका है क्योंकि मैं ये सोच सकती हूँ कि थैंक्स में काश की जरूरत नहीं है, आप करें। और यानी मैं तो दुबई पूछ लिया, अभी मैंने प्यार्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से फंड अमेज कार अचीव की है, रियली आई फील प्राउड। मैं बैठती हूँ तो फिर मैं वीआईपी पर्सन हूँ। अगर अभी मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है मैं यहाँ से गोल्ड लाइन हिट करूंगी, तब तक तो मैं सर एक दिन भी अपना मिस नहीं कर सकती। अपने घर गए बिना मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है, कोई भी वो नहीं है, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि जो मेरा टारगेट है, जो मेरा गोल है, मुझे उसे हिट करना है, देन उसके बाद एंजॉयमेंट करनी है। और अगला जो मेरा टारगेट है मुझे यहाँ से एनीवेयर 40,00,000 के ऊपर की गाड़ी लेनी है और ये नेक्स्ट टाइम डन, नेक्स्ट ईयर डन करना है बिल्कुल सर। और नीचे आप लोगों की सभी का साथ चाहिए, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी एंटायर टीम, लव यू ऑल। और मेरे मैम तनु मैम का थैंक्स, रियली सर का थैंक्स है और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा थैंक्स है और एंजल का बहुत बड़ा थैंक्स मेरी बेटी का, रियली सर वो सब मैं सुबह पूजा करने जाती हूँ सर, फिर
वो मुझे इस तरह से मोटिवेट करती है कि भाई आप एनर्जेटिक हो, स्ट्रांग हो, आप कर सकती है, आप करें। थैंक यू आकाश ने सर, ये रियली टेल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सबकी जिंदगी चेंज हो। आज हम यहाँ बैठे, मुझे लगता है सभी के ड्रीम्स हैं तो लग जाए, रियली सभी के सक्सेस होने हैं। हमने भी वही किया है जो हमारे सीनियर्स ने कहा और उसको हम फॉलो करते रहे और कब यहाँ पहुंच के हमें पता भी नहीं चला। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट में बैठो।